चलिए बताइए, लेडर क्या होता है? सर, लेडर एक प्रकार का एक्सेस और इग्रेस इक्विपमेंट होता है सर, और यह हमारा मेटल का भी बना हो सकता है और यह बांस का भी बना होता है, और मतलब गांव में हमारे बांस के भी बने हो सकते हैं, और इंडस्ट्रीज वगैरह में ज़्यादातर यह मेटल के और अल्मोनियम के बने हुए होते हैं, और यस सर, यह लेडर होता है सर। ओके, चलिए अब बताइए, 3 पॉइंट कांटेक्ट क्या होता है? सर, 3 पॉइंट कांटेक्ट सर हमारा होता है सर, जब हम लेडर पे चढ़ते हैं या फिर उतरते हैं तो उस समय हमारा थ्री पॉइंट कांटेक्ट हमारा लेडर से कनेक्ट होना चाहिए सर। 3 पॉइंट कांटेक्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे सर, तो 2 पैर 1 हाथ या फिर 2 हाथ 1 पैर हमारे क्लाइंबिंग ड्यूरिंग क्लाइंबिंग हमको कनेक्टेड रखना होता है सर लेडर से। अच्छा, चलिए लेडर से संबंधित कुछ हजार्ड के बारे में बताइए। सर, लेडर अगर हमारा अनइवन सरफेस पे खड़ा हो रहा है सर, तो वह हमारे लिए खतरा हो सकता है सर। अच्छा अगर लेडर के जो स्टेप्स होते हैं उस पे अगर स्लिपरी मटेरियल लगे हैं या फिर कुछ मतलब वैसा लगा है जिसकी वजह से हमारा पैर या फिर हाथ स्लिप कर जाए, जिसकी वजह से हम गिर सकते हैं सर, वह भी हमारे लिए खतरा है सर। अगर हम लेडर का इंस्पेक्शन नहीं करते हैं और लेडर डैमेज है कहीं से या फिर कुछ वैसा है जिसकी वजह से लेडर टूट सकता है, तो वह भी हमारे लिए एक खतरा हो सकता है सर। और लेडर को हम सर 10 फीट के ऊपर मतलब सर 10 फीट की हाइट पे अगर हमको जाना है, तो सर जो हमारा वाल होता है सर, वाल उसके 4 फीट की दूरी पर हम अपना लेडर रखते हैं और 4 फीट से 10 फीट के ऊपर तक हम लोग जाते हैं सर, ऐसे जैसे कि एक बोलिए। मतलब सर अगर 10 फीट की हाइट पे अगर हमको लेडर को लगाना है तो 4 फीट की दूरी हम सर मेंटेन करते हैं वाल से अच्छा, नीचे मतलब जमीन पे, हम्म, और उसके बाद लेडर को खड़ा करते हैं, वह हमारे लिए प्रॉपर वे होता है सर लेडर से लेडर यूज करने। सर, अब बताइए एक्सकावेशन क्या होता है? एक्सकावेशन एक मैन मेड कट है जो कि मतलब मैन मेड या फिर मशीनरी जो भी हमारा सोयल का खुदाई होता है सर, जो भी हमारा मिट्टी को खोदा जाता है जमीन अंदर, मतलब जो अगर फाउंडेशन करना हो या फिर कोई सा ब्रिज वगैरह बनाना हो उसका जो जो कॉलम होता है उसको खड़ा करना हो या फिर कोई सा स्ट्रक्चर खड़ा करना हो, तो सबसे पहले हम लोग एक्सकावेशन करते हैं सर। तो एक्सकावेशन सर यह एक्सकावेशन 2 प्रकार के होता है सर, एक डीप एक्सकावेशन होता है और एक सेलो नॉट सेलो फाउंडेशन ओके, फाउंडेशन बोलिए। सेलो एक डीप एक्सकावेशन होता है सर, और एक छोटा एक्सकावेशन सर भूल रहे हैं ओके, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, सर। चलिए एक्सकावेशन में हजार्ड के बारे में बताइए, हजार्ड क्या क्या होता है? सर एक्सकावेशन सर कितने प्रकार के होते हैं सर, ट्रेंच भी होता है सर और सेलो भी होता है। जैसे कि अगर हमारा ट्रेंच है तो अगर हम ट्रेंच को अगर सर ट्रेंच भी एक कन्फाइंड स्पेस हो सकता है सर, अगर वह 15 फीट या फिर 10 फीट के नीचे तक अगर खुदाई हो तो अभी मतलब वहाँ पे भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है सर, तो अभी हमारा एक तो कन्फाइंड स्पेस हो सकता है। और जो इसमें हैजार्ड होते हैं सर एक्सकावेशन में, एक केबिन हो सकते हैं सर, कोई सा अगर वाइब्रेशन वाला वर्क चल रहा हो अगर अगल बगल में, या फिर जैसे कि डेमोलिशन का वर्क चल रहा हो और मतलब जस्ट बगल में ही एक्सकावेशन चल रहा हो, और ट्रेंच हो या फिर कोई सा भी एक्सकावेशन हो जो डीप हो, वह सर वाइब्रेशन की वजह से सर उसका जो सोयल होगा जो उसका एज होगा एक्सकावेटेड प्लेस का जो एज होता है वो केबिन हो सकता है सर, वो अड्ढा हो सकता है, या फिर कोई सा बड़ी गाड़ी या फिर कोई ऐसा मतलब वजन जो कि उस एज पे गिरे या फिर उस एज के तरफ से गुजरे
जिसके वजह से केबिन हो सकता है, और केबिन होने की वजह से वो जो पूरा मिट्टी जो हमारी ढहेगी वह जितने हमारे वर्कर होंगे उनके ऊपर गिरेगी, और उसके वजह से फैटल एक्सीडेंट भी हो सकता है सर। और ये सर के अंडरग्राउंड पाइपलाइन भी निकल सकते हैं सर, और इलेक्ट्रोक्यूशंस भी हो सकते हैं सर, जो हमारा हाइड्रा वगैरह होता है सर, जिससे हम लोग माटी खोदते हैं, वह अगर वह ऊपर मतलब जो उसका बूम होता है वह ऊपर जाता है और नीचे आता है, मतलब मिट्टी को खोद करके ऊपर निकालता है, अगर वह ओवरहेड पावर लाइन से टकरा जाता है तो वह पूरा जो मतलब मेटल का बना होता है सर, तो उसमें पूरा इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से खतरा भी हो सकता है सर, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकते हैं सर। और कुछ सजेस्ट बताइए। सर और सर और तो जो हमारा मिट्टी होता है सर, जो इसकावेटेड सॉइल होता है, उसको हमको गड्ढे के 3 फीट की मतलब जो गड्ढा का एज होता है उसे 3 फीट के दूरी पर मतलब रखना चाहिए, नहीं तो वह भी कोलेप्स करके और नीचे गिर सकता है। अंदर मतलब इसका एक्सकैवेशन चल रहा है, उसके अंदर से कोई सा कीड़े मकोड़े भी निकल सकते हैं सर, उसमें से कोई सा गैस का रिसाव हो सकता है सर, अगर कोई पाइपलाइन गया हो तो। अच्छा अब बताइए, ये एक्सकैवेशन करते समय करने के पहले किस तरह के प्रिकॉशन चाहिए? सर सबसे पहले तो हम परमिट लेते हैं सर, किसी भी काम को करने से पहले अगर हम परमिट लेते हैं तो उससे हमको यह पता चल जाता है कि यहाँ पे अगर मतलब कोई अंडरग्राउंड पाइपलाइन तो नहीं गया है, या फिर कोई मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है जिसके वजह से हमारा यहाँ पे एक्सकावेशन मतलब एक्सकावेशन के दौरान कोई सा हमको ऐसा खतरा हो जाए जिसके वजह से हमको परमिट लेना होता है सर। और परमिट जो हमारे परमिट लेना होता है सर, और मिट्टी का टेस्ट करते हैं सर कि हमारा सॉइल कैसा है, अगर और सर मिट्टी के अनुसार ही वहाँ पे एक्सकावेशन किया जाता है सर, अगर मिट्टी कमजोर है तो वहाँ पे डीप एक्सकावेशन नहीं कर सकते हैं सर, और उसको एक सिस्टमेटिक वे में हमको मतलब एक एक्सकावेशन करना होता है, अगर मतलब वहाँ की मिट्टी कमजोर होती है सर। अच्छा और बताइए, और प्रिकॉशन क्या क्या हो सकता है? सर जो हमारा एक्सकावेशन सर स्लोपिंग फील्डिंग सील्ड एंड फ्लोरिंग होता है सर, स्लोपिंग होता है सर, और अच्छा चलिए, कितना डीप एक्सकावेशन को हम लोग कन्फाइंड स्पेस में कंसीडर करते हैं? सर मैक्सिमम 10 फीट अबव अगर हम डीप एक्सकावेशन जा रहे हैं, डीप में जा रहे हैं अगर मतलब जमीन के अंदर, और ट्रेंच हो या फिर ट्रेंच ही हम समझते हैं सर, ट्रेंच अगर हो तो उसमें भी सर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है सर, उसमें भी यूटिलाइजेशन हो सकते हैं, तो वह कन्फाइंड स्पेस हमारा माना जाता है सर। हाँ तो बताइए, लेडर को सेफ तरीके से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? प्रिकॉशन बताइए। सर लेडर को हम लोग सेफ तरीके से यूज करते हैं सर, तो सर पहले इंस्पेक्शन करते हैं सर लेडर का, और कि लेडर ठीक है मतलब वेल कंडीशन में है कि नहीं है, और लेडर को यूज करते समय हम पूरा उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि कोई सा स्लिपरी मटेरियल तो उसका नहीं लगा है, या फिर कहीं से डैमेज तो नहीं है, या हम जब लेडर को खड़ा करते हैं सर तो वहाँ पे 10x4 का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जैसे कि 10 फीट हाइट तो 4 फीट मतलब चौड़ाई नीचे जमीन वाल वाल से 4 फीट की दूरी पर हम लेडर को खड़ा करके, और उसके बाद 10 फीट की हाइट पे ऊपर जाते हैं सर अच्छा अकॉर्डिंग। सर यहाँ पे हम गलती हो सकते हैं सर मे बी। ये आपका रेशियो होता है, ठीक है, वन यस सर वन वन रेशियो 4,
यानी 1:4 के मतलब रेशियो में हम लोग इंस्टॉल करते हैं लेडर को। ओके यस सर, 1:4, 4 फीट की ऊंचाई पे जाना तो 1 फीट की डिस्टेंस मेंशन करते हैं। यस सर। चलिए और बताइए प्रिकॉशन। यस सर। यस सर, और जो हमारा लेडर होता है सर, वो मतलब लेडर पे जब हम चढ़ते हैं तो मतलब कुछ लोग होते हैं सर, जैसे कि जितना लेडर का एक्सेस है, मतलब जितना हम लेडर पे चढ़ जाते हैं उसके भी ज्यादा, मतलब टॉप टॉप स्टेप पे चढ़ जाते हैं, उसके बाद वो अपना काम करते हैं, मतलब इम्प्रॉपर एक्सेस उसको बोल सकते हैं सर हम, मतलब जैसे कि जितना हमको जरूरत है उतना उतना लेडर हमारा नहीं जा पा रहा है, और वैसे छोटे लेडर से काम कर रहे हैं तो वह भी हमारे लिए खतरा हो सकता है सर। अकॉर्डिंग टू वर्क हमको लेडर का यूज करना चाहिए, और लेडर से ज्यादा मतलब एबव में कोई सा जैसे कि अगर कोई पेंट वेंट करता है तो सर जितना हाथ पहुंच जाता है उतना तो मार ही देते हैं, उसके बाद भी मतलब लेडर से धूल कर वो भी हमारे लिए खतरा हो सकता है सर। और जो हमारे लेडर पे जो हमारे मतलब पर्सनल्स होते हैं उनको मतलब कैच करवाया जाता है सर, कुछ फेंक दिया जाता है या फिर कुछ मतलब नीचे से कुछ पकड़ाना हो तो उसको उन लोगों को फेंक दिया जाता है सर, ऊपर की पकड़ लो, वह भी हमारे लिए खतरा हो सकता है सर। उसको पकड़ते वक्त हो सकता है कहीं लेडर हमारा सरक जाए, उस पर वह गिर सकता है सर। अच्छा, ये आप क्लियर कीजिए कि लेडर का यूज हम लोग एक्सेस एग्रेस के लिए करते हैं या फिर काम करने के लिए। सर काम करने के लिए भी करते हैं सर, एक्सेस एग्रेस के लिए ही करते हैं सर। सर तो यहाँ पे अगर हमको हाइट पे, थोड़े हाइट पे अगर हमको काम करना हो तो वहाँ पे हमको एक्सेस तो चाहिए ना सर, वहाँ तक पहुँचने का कुछ कोई ना कोई सा मीन्स तो चाहिए ना सर, तो उसके लिए हमको लेडर का यूज करना होता है सर। ओके ओके। एरियल लिफ्ट भी यूज किया जाता है सर इंडस्ट्रीज वगैरह में। अच्छा, जो आपका लेडर का जो हाइट होता है वो वर्किंग प्लेटफॉर्म से कितना होना चाहिए ऊपर? मिनिमम 3 स्टेप्स ऊपर होता है सर। लेडर मिंटू से ऊपर होता है सर, जैसे कि हम कह सकते हैं सर 2.5 फीट से 3 फीट। अच्छा, ये मतलब वर्किंग प्लेटफॉर्म से ऊपर होनी चाहिए। ओके। और सेम कंडीशन आप एक्सकावेशन में क्या करेंगे? सर एक्सकावेशन में सर एक्सकावेशन अभी सेम कंडीशन ही रखेंगे सर। ओके चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए, लेडर को पेंट किया जाता है? लेडर को पेंट नहीं सर, लेडर को पेंट नहीं किया जाता सर। पेंट क्यों नहीं किया जाता है लेडर को? सर अगर हम लेडर को पेंट करेंगे सर तो हो सकता है कि हम मतलब सर उसको टेम्परेचर में, अंडर टेम्परेचर में वर्क में लेते हैं सर, उसको अगर हम लोग वर्क में लेते हैं सर, उसका यूज हम लोग मतलब सूर्य के तापमान में भी करते हैं, जिसकी वजह से पेंट सर पिघल सकता है। अच्छा सर, और उसके से हमारा पैर स्लिप कर सकता है सर।